वेलकम अगेन एवरीवन। जब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन की वीडियो की थी, उसमें हमारे पास 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी। इस वीडियो में हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, वो सब हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियलाइजेशन पार्ट, एंड ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट वी हैव टू फोर लूप्स, नेस्टेड फोर लूप्स, राइट। और दोनों फोर लूप के अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट हमने यूज किया है, दैट इज ए इक्वल्स टू ए प्लस जे। देन अगेन हमारे पास एक और फोर लूप है जो सिंगल है, राइट। सो दिस इज आवर कोड। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, just pause the video, try to solve it yourself. This one is quite easy problem, aap kar sakte ho. If your concept is not clear, you can again watch that video. Its link will be provided in description box. So let us start, hum isko kaise compute karenge. Dekho, hamari first statement hai initialization. Always to remember, jab bhi hamare paas initialization hai, hum koi value assign kar rahe hain, कुछ सिंपल कॉम्पिटेशन कर रहे हैं, उन सबका टाइम है कांस्टेंट, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ वन, राइट। यही किया था हमने। जनरली हम ये चेक करते कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, ए और बी को वैल्यू हमने असाइन कर दी। उसके बाद है हमारे पास नेस्टेड फोर लूप। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में याद है, जब भी हमारे पास नेस्टेड फोर लूप होता था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी एन स्क्वेयर, राइट। सो इसमें देखते हैं कैसे है। फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, वन वन का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये लूप हमारा चलेगा जीरो टू एन माइनस वन, राइट। सो वी कैन से दैट this outer loop will execute n times. n times execute होगा total. Now inner loop को देखते हैं, it is again j equals to 0, j less than n, j plus plus, 0 to n minus 1, right? j की value vary करेगी from 0 to n minus 1. That means this loop will also execute n times. Okay? दोनों लूप एन एन टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे, नेस्टेड फोर लूप है। और जो अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू ए प्लस जे, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है, सो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। नाउ आवर क्वेश्चन इज, ये सिंगल स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एन स्क्वेयर टाइम्स। सी आउटर लूप हमारा एन टाइम्स चल रहा है, इनर लूप भी एन टाइम्स चल रहा है। जब दोनों हम कंबाइन करके चलाएंगे, दोनों रन करेंगे एन स्क्वेयर टाइम्स। सो अंदर वाली स्टेटमेंट हमारे कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, इट विल एग्जीक्यूट एन स्क्वेयर टाइम्स। सो एन स्क्वेयर इनटू ऑर्डर ऑफ वन, वी ऑल नो दैट इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। सो वी कैन से दैट दिस नेस्टेड फोर लूप will take order of n square time, right? Now next देखते हैं, हमारे पास एक single for loop है, कितनी बार execute करेगा ये, k की value vary करेगी 0 to n minus 1 तक, जैसे हमने i और j का किया। Now 0 to n minus 1 तक value vary करेगी, that means it will execute n times, same ऊपर वाला logic हमने use किया। नाउ इसके अंदर हमारे पास कोई भी नेस्टेड लूप नहीं है, सो बी इक्वल्स टू बी प्लस के, ये स्टेटमेंट हमारी एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। एक बार एग्जीक्यूट होने में इसको ऑर्डर ऑफ वन लग रहा है, सो एन टाइम्स एग्जीक्यूट होने में इसको लगेगा ऑर्डर ऑफ एन। सो फॉर दिस फोर लूप आर टोटल टाइम इज ऑर्डर ऑफ एन। नाउ ये हमने टाइम कंप्यूट किया है लूप वाइज, नेस्टेड फोर लूप का अलग कंप्यूट कर लिया, सिंगल फोर लूप का अलग से कंप्यूट किया, फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारे पास है ऑर्डर ऑफ वन। नाउ व्हाट विल बी आवर टोटल टाइम फॉर दिस एंटायर कोड,
it will be order of 1 plus order of n square प्लस ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तीनों को हमें ऐड करना है। अब अगर हमारे आपको दोनों रूल्स याद है, आवर फर्स्ट रूल सेज जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है हम सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। नाउ इन दिस सिनेरियो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एन की पावर है 2, सेकेंड टर्म में एन की पावर है 1 और लास्ट टर्म में एन की पावर है 0। सिंपल है। सो सेकेंड और थर्ड टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। नाउ सेकेंड रूल था हमारा, कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम इग्नोर कर देंगे। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फॉर दिस एंटायर कोड आवर कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जब आप कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रोग्राम और एल्गोरिदम यू कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक इन दिस क्वेश्चन हमें पता है नेस्टेड फॉर लूप हमारा डोमिनेट करेगा बाकी पूरे कोड को, इसका टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। सो सिर्फ हम इसका टाइम कंप्यूट करेंगे, बाकी सबका हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हम डोमिनेटिंग फैक्टर या डोमिनेटिंग टर्म को लेते हैं, बाकी सब हम इग्नोर कर देते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंट ए इक्वल्स टू 0, सिंपल इनिशियलाइजेशन है, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड फोर लूप, फिर से चेक करते हैं हम। फर्स्ट फोर लूप में हमारे पास 0 टू n i प्लस प्लस, सो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ये i की वैल्यू हो सकती है 0 से n माइनस 1 तक, डेट मीन्स ये आउटर लूप हमारा कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, n टाइम्स, राइट। नाउ अगर हम इनर लूप को देखें, इट इज j इक्वल्स टू n, j ग्रेटर देन i, j माइनस माइनस, हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज वो डिपेंड कर रहा है आई की वैल्यू पर। ओके, अगर यहाँ डायरेक्ट होता जे ग्रेटर देन 0 तो हमें पता होता एन से 1 तक एग्जीक्यूट करेगा, इट विल एग्जीक्यूट एन टाइम्स। बट इसमें हम चेक करते हैं कैसे करेंगे, लेट अस सी। से हमने तीन वेरिएबल बना लिए हैं, आई जो हम आई की वैल्यू लेंगे आउटर फोर लूप से, जे इनर वाले जे की वैल्यू, एंड काउंट, काउंट शो कर रहा है कि a इक्वल्स टू a प्लस आई प्लस j, जो ये स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ओके, नाउ सपोज वैल्यू ऑफ n इज 5, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेगी या क्या हमारा पैटर्न बनेगा। ये हमने फिक्स कर दिया n की वैल्यू। अब आउटर लूप देखते हैं, आउटर लूप है 0 i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 5, डेट मीन्स जो i वाला लूप है वो चलेगा 0 से 4 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया i की वैल्यू है 0, सो आउटर वाले लूप में हमने i की वैल्यू 0 ले ली। अब इनर वाले लूप के पास जाते हैं हम उस वैल्यू के साथ, j इक्वल्स टू 5, j ग्रेटर देन i, डेट मीन्स j ग्रेटर देन 0। सो जे की जो हमारी वैल्यूज है वो कैसे वेरी करेगी, 5 से 1 तक। जे ग्रेटर देन 0 का मतलब है जे की वैल्यू मिनिमम 1 ले सकते हैं, ठीक है। सो ये लूप हमारा जे वाला लूप कब तक चलेगा, जे इक्वल्स टू 5 से लेके जे ग्रेटर देन 0, डेट इज जे इक्वल्स टू 1, 5 टू 1 तक चलेगा। 5 टू 1 तक चलेगा डेट मीन्स उसका काउंट हो जाएगा 5, जे इक्वल्स टू 5 के लिए चला, j इक्वल्स टू 4, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 1, सो टोटल कितने बार चला, 5 टाइम्स। सो काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 5। इज दैट क्लियर। इट माइट साउंड वेरी कॉम्प्लेक्स, जस्ट टेक आउट योर पेन एंड पेपर, जब आप खुद से करोगे इट इज वेरी इजी। इनर लूप हमारा हो गया खत्म, अब हम आउटर लूप के पास जाएंगे, i प्लस प्लस, i में 1 का इंक्रीमेंट करना है। सो नाउ वैल्यू ऑफ i इज 1,
अब आई को वन रखेंगे, अब जे वाला लूप इनर लूप चेक करते हैं क्या कह रहा है। जे इक्वल्स टू फाइव, जे ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स इनर लूप हमारा चलेगा जे इक्वल्स टू फाइव से लेकर जे इक्वल्स टू टू तक। सो काउंट कितना हो जाएगा, फाइव फोर थ्री टू, फोर काउंट हो गया। सेम वे आई की वैल्यू हमने इंक्रीज की, आई की वैल्यू टू की है। अब जे वाला लूप कब तक चलेगा, जे इक्वल्स टू फाइव, जे ग्रेटर देन टू, बिकॉज हमें दिया हुआ है कंडीशन जे ग्रेटर देन आई। नाउ वैल्यू फाइव इज टू, सो फाइव से लेकर थ्री तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा। सो काउंट कितना हो जाएगा, फाइव फोर थ्री, दैट इज थ्री। ओके, तीन बार चलेगी। जब हमने आई की वैल्यू टू ली, इनर वाला लूप हमारा थ्री टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सिंपल से अब आई की वैल्यू हमने इंक्रीज की, थ्री कर दिया। अब जे वाला लूप कब तक चलेगा, फाइव से फोर तक, सिर्फ दो बार ही एग्जीक्यूट होगा। व्हेन वैल्यू ऑफ आई इज थ्री, इनर लूप विल एग्जीक्यूट ओनली टू टाइम्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। नाउ फॉर आई इक्वल्स टू फोर, इनर लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। और जैसे ही आई की वैल्यू फाइव होगी, हमारी बाहर वाली कंडीशन फोल्स हो जाएगी और हमारा लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। सो देखो, जब हमारा एन की वैल्यू फाइव ली हमने, हमारा काउंट कैसे आ रहा है, फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। सेम वे अगर आप एन की वैल्यू सिक्स लेंगे, उसका काउंट आएगा सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। अगर हम इसी फैशन में चल रहे हैं, तो अगर हम n के लिए हम एक सीरीज बनानी है, इट विल बी जस्ट लुक एट द राइट साइड, n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस अप टू टू प्लस वन, ऐसे ही बनेगी हमारी सीरीज जो हम जनरलाइज करते हैं फॉर्मूला को। ओके, नाउ अगर आपको याद है, वन से n तक के नंबर का सम होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन बाय टू। दिस इज आर सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इट विल बी एन स्क्वेयर बाय टू प्लस एन बाय टू। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया है। सबसे पहले हमने एन के लिए एक सीरीज बना ली जो इसमें आएगी, कि हमारा एन की आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, टोटल हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, जो हमारी इनर स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू ए प्लस आई प्लस जे, ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगी। सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए पूरा फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगी, क्या उसका काउंट होगा, वो है दिस फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। उसका हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे लगाएंगे हमारे दोनों रूल्स कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, आर फर्स्ट रूल इज लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर दो। नाउ अमंग दीज टू, लोअर ऑर्डर टर्म है एन बाय टू, उसको हमने इग्नोर कर दिया। सेकेंड रूल सेज जो भी हमारी कॉन्स्टेंट या कॉफिशियंट्स है उसको भी इग्नोर कर दो। नाउ इन दिस केस एन स्क्वेयर डिवाइड बाय टू, इसमें हमारा कॉन्स्टेंट है वन डिवाइड बाय टू, सो दिस कॉफिशियंट विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली एन स्क्वेयर। So overall complexity of this nested for loop will be order of n square. Okay, जो हमारी first statement थी it was order of वन। Now हमें पता है हमारी dominating term कौन सी, order of n square. So total time complexity for this entire code will be order of n square. Simple, easy है, आपको सिर्फ अपने basic rules याद रखने हैं। Let us see our next problem. See, we have three nested for loops. अभी तक हमने दो किए थे, we have three. First for loop हमारा कितने बार चलेगा वो देखते हैं। x equals to one, x less than equals to n, x plus plus. वन वन का इंक्रीमेंट कर रही है x में, so ये चलेगा x की वैल्यू वन से लेकर n तक, so it will execute n times. Let us see second for loop. y equals to one, y less than equals to n, y plus plus. Again, 1 से लेकर n तक y की वैल्यू वेरी करेगी, इट विल एग्जीक्यूट n टाइम्स।
And last is z equals to 1, z less than equals to n, z plus plus. Again it will execute n times. और अंदर हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है. अगर हम इसको सिंगल टाइम प्रिंट कर रहे हैं इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1. बट अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी. बिकॉज इनर मोस्ट लूप जहां हमने z यूज किया वेरिएबल वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. बीच में जो लूप है y का वो भी n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. और आउटर मोस्ट लूप भी n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है. सो दिस इज योर होमवर्क टू चेक how many times this print statement will execute. And let me tell you, it will execute n cube times. So ये आपको सिर्फ example से prove करके देखना है कि क्या वाकई में n cube times execute होगी. So its complexity will be order of n cube. अगर हम nested for loops में दो for loops use कर रहे हैं it will be n square. If we are using 3 nested for loops, it will be n cube. If we are using 4 nested for loops, it will be n raised to the power 4. सिर्फ एक कंडीशन हमें याद रखनी है, x, y and z जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं फोर लूप में वो 1-1 से इंक्रीमेंट हो रहे हैं. Okay, this is our next problem. Which of the following are equivalent to order of n? So, सबका हमें order find out करना है, bigger notation find out करनी है. Now, let us see what is first statement. Order of n plus p, where p is less than n by 9. So, it is n plus p. Now, we know that p is less than n by 9. यानि कि 1/9 of n से भी छोटा है. अब जो भी छोटी टर्म होती है जो भी डोमिनेटिंग टर्म नहीं है उसको हम इग्नोर करते हैं. ये हमारा फर्स्ट रूल है. सो पी को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट पी इज लेस देन एन बाय 9. ओके, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद अ सिंगल एन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन. ओके, now let us see what is second statement. 9 times of n minus k. Okay, सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं. लोअर ऑर्डर टर्म्स को हमें इग्नोर करना है. नाउ अमंग दीज टू लोअर ऑर्डर टर्म कौन सी है? सेकेंड वाली. बिकॉज सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ है n रेज टू द पावर 0. अगर हमें कभी भी सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टेंट दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं n रेज टू द पावर 0. बिकॉज n रेस्ट टू द पावर 0 इज 1. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. ओके, जो भी लोअर ऑर्डर टर्म है उसको इग्नोर कर देंगे, जस्ट इग्नोर इट. सेकेंड रूल कहता है जो भी हमारा कॉन्स्टेंट है या कॉफिशियंट है हायर ऑर्डर टर्म में उसको भी इग्नोर कर दो. 9 को भी इग्नोर कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद n. सो सेकेंड स्टेटमेंट की भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ n. नाउ थर्ड चेक करते हैं. इट इज n प्लस 8 टाइम्स ऑफ log n. अकॉर्डिंग टू आर फर्स्ट रूल हम ऑर्डर चेक करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म चेक करते हैं. नाउ दोनों में n की पावर 1 है. सो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी होगी? नाउ जस्ट टेल मी अमंग n एंड log n कौन सी हमारी डोमिनेटिंग टर्म है या कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी. सिंपल मैथमेटिक्स, वी नो दैट n इज ग्रेटर देन log n, राइट? n इज ग्रेटर देन log n. सो इन दोनों में से हमारी डोमिनेटिंग टर्म होगी n. फर्स्ट टर्म इज डोमिनेटिंग टर्म, तो सेकेंड वाले को हम इग्नोर कर देंगे. डोमिनेटिंग का मतलब है किसकी वैल्यू हमारी बिगर होगी, क्योंकि हमें वर्स्ट केस फाइंड आउट करना होता है बिगर नोटेशन में. सो हम ज्यादा वैल्यू वाली टर्म को रखते हैं. सो n को रखेंगे सिर्फ, 8 log n को डिस्कार्ड कर देंगे. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली अ सिंगल टर्म n. सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n. क्लियर? नाउ लेट अस सी लास्ट स्टेटमेंट. n प्लस m स्क्वायर. Now here both n and m are inputs. जब दोनों ही हमारे inputs हैं so हम ये determine नहीं कर सकते हैं कौन सी हमारी bigger term होगी.
इफ यू आर अज्यूमिंग एन और एम की वैल्यू कंपेरेबल है, डेट इज उनमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हम एन को डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ एम स्क्वेयर को रखेंगे. बट अगर हमें पता है कि दोनों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइमिंग, हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूरी आपकी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम स्क्वेयर रहेगी. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, हम वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स एंड वाई. सो कैन यू टेल मी, अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से हमारी बिगर टर्म कौन सी होगी? नो, वी कैन नॉट डिटरमाइन. बट अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, नाउ इन दोनों में से हम बता सकते हैं डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी, डेट एक्स स्क्वेयर विल बी आर डोमिनेटिंग टर्म. बट अगर दोनों अलग अलग वेरिएबल यूज किए हमने और दोनों वेरिएबल है, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इन दैट केस वी कैन नॉट डिटरमाइन विच वन विल बी आर डोमिनेटिंग टर्म. सो लास्ट वाले की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम स्क्वेयर ही रहेगी. सो अमंग दिस फोर स्टेटमेंट्स, ए बी एंड सी तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, लास्ट वाले की ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगी. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ एक्स इज लेस देन 7, प्रिंट एक्स इज लेस देन 7. एल्स में हमारे पास एक सिंगल फोर लूप दिया हुआ है. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं स्टेटमेंट्स की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है. फर्स्ट है हमारे पास प्रिंट एक्स इज लेस देन 7. सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, सो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1. नाउ हम एल्स वाले पार्ट में जाते हैं. एल्स में हमारे पास फोर लूप दिया हुआ है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस. 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, डेट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट एन टाइम्स. सो प्रिंट आई स्टेटमेंट एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन. नाउ हमारी प्रॉब्लम क्या है, इफ एंड एल्स में से सिर्फ एक ही हमारा पोर्शन एग्जीक्यूट होता है. अगर हमारा इफ वाली कंडीशन ट्रू है, इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ वाले पोर्शन एग्जीक्यूट होता है तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1. इफ आर कंडीशन इज फॉल्स, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, और उस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन. बट अब हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, इतने कोड को देखकर हमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा. जब भी हमारे पास कुछ फिक्स्ड नहीं है, तब हम अज्यूम करके चलते हैं वर्स्ट केस. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन का मतलब ये है कि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों में से वर्स्ट केस को लेंगे, उस केस को लेंगे जहां हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ एन. सो इस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन. अगर आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती तो हमें पता होता कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अभी हमें पता नहीं है इतने कोड को देखकर. सो हम इसमें अज्यूम करके चलेंगे एक्स की एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है. सो फॉर दिस क्वेश्चन आर राइट आंसर विल बी ऑर्डर ऑफ एन. दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू योर सेल्फ, एंड इफ योर आंसर इज ऑर्डर ऑफ एन, यू आर रॉन्ग. वाई इज इट सो? सी आई टोल्ड यू, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है हमारी कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी. सो इस फोर लूप में भी हमें यही चेक करना है कि प्रिंट एक्स स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी. ना वो स्टेटमेंट एन टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू एन, एक्स इक्वल्स टू एक्स इन टू 2. जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है हमारे फोर लूप में, अभी तक हम यूज करते थे एक्स प्लस प्लस, डेट मीन्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. बट इन दिस केस वी आर गिवन एक्स इन टू इक्वल टू 2. इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू एक्स इन टू 2. 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम उसके अंदर. सो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. सपोज एन की वैल्यू हमने ली 10. अब हम देखते हैं एन की वैल्यू 10 के लिए ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. नाउ वैल्यू ऑफ एन इज 10,
सो हमारा लूप चलेगा एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 2, ऐसे ही रीड करेंगे हम इसको. अब सबसे पहले x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है. उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, काउंट हो गया हमारा, हियर इज आवर काउंट. नाउ जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, उसको इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x. सो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब x की वैल्यू थी 1, 2 से मल्टीप्लाई करती है, x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है. फिर हम कंडीशन चेक करते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू. फिर से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी एक बार. फिर से हमें x में इंक्रीमेंट करना है, वो इंक्रीमेंट कैसे करना है, 2 गुना इंक्रीमेंट, 2 इंटू 2 डेट इज 4. नाउ फॉर थर्ड आइट्रेशन वैल्यू ऑफ x इज 4. फिर से एक बार प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, अगेन हमें इंक्रीमेंट करना है. अब इसमें हमें 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना है. वी कैन नॉट से आफ्टर x इक्वल्स टू 4 इट विल बी x इक्वल्स टू 5, नो, इट विल बी x इक्वल्स टू 8, क्योंकि हमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. फिर से एक बार चला, अगेन हमें इंक्रीमेंट करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 16. बट जैसे हम कंडीशन चेक करेंगे, 16 लेस देन इक्वल टू 10, इनकरेक्ट. सो 16 के लिए, x इक्वल टू 16 के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो फॉर n इक्वल्स टू 10 हमारा लूप कितने टाइम्स चला, 4 टाइम्स. गेटिंग माई पॉइंट, इसमें हमारा 10 बार लूप नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स चलेगा. सेम वे अगर आप n की वैल्यू ले रहे हो 15, तब भी 4 टाइम्स चलेगा, कोड से चेक कर सकते हो. अगर आप ले रहे हो n की वैल्यू 16, इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, ये आप करके देख सकते हो. अगर आप n की वैल्यू ले रहे हो 14, अगेन इट विल एग्जीक्यूट 4 टाइम्स. 13 के लिए भी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. अगर आपने लिया 18, इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स. ऐसे ही अगर हमारी सीरीज में हम चलते रहे, सो n के लिए वो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. आई एम होपिंग यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, लॉगरिथम. लाइक वी नो डेट लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 इट इज 3, ये सबको पता है. बिकॉज 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3. सेम वे लॉग ऑफ 16 बेस 2 विल बी 4. सो फॉर दिस क्वेश्चन वेयर वी आर मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ x इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट बाय 1, दिस प्रिंटेक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट log n टाइम्स. Rather than order of n, it will be log n. So complexity हमारे कितनी हो जाएगी, order of log n. So just remember, जब भी आपके for loop में into 2 है, it will be log n base 2. Base will be 2. और अगर हमारे पास होता है x into 3, तो हमारा होता है log n base 3. Okay? This is simple trick to easily solve this type of question. सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन. इंट a इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू n. इनिशियलाइज किए वैल्यूज, इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1. व्हाइल i इज ग्रेटर देन 0, दिस इज आवर कंडीशन. i में हमने वैल्यू डाली है n, कंडीशन है i ग्रेटर देन 0. जब तक हमारा i की वैल्यू 0 से बड़ी है, हमें व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज हम व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएंगे. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, a इक्वल्स टू a प्लस i, ये हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट क्या है, i डिवाइड बाय इक्वल टू. इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज i इक्वल्स टू i डिवाइड बाय 2. सो लेट अस सी इसको हम कैसे करेंगे. सपोज n की वैल्यू है 16, लेट अस से n इक्वल्स टू 16, i इक्वल्स टू n, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है. सो i की वैल्यू हो जाएगी 16, जो भी n की वैल्यू है. अब हम व्हाइल लूप के पास गए, व्हाइल लूप में कंडीशन है i ग्रेटर देन 0, 16 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू. अंदर जाएंगे, a के अंदर हमने कुछ एडिशन किया,
नाउ जो हमारी मेन स्टेटमेंट है वो है आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई टू। चेक हमें ये करना है ये वाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अब जो आई में चेंज होगा वो चेंज कैसे हो रहा है, उसको हम टू से डिवाइड कर रहे हैं। सो जब हमारा लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा उस केस में आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 डिवाइड बाई टू, डेट इज 8। नाउ 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। फिर से दूसरी बार भी हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा काउंट है, जब वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा अगेन हम आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। नाउ 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एक बार और एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हम आई को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1 हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूट करेगा। नाउ 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे बिकॉज हमने इंटीजर लिया है, वो हो जाएगा 0। और जैसे ही 0 हो जाएगा हमारा वाइल लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। फाइन, सो n इक्वल्स टू 16 हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा 5 टाइम्स। नाउ आप करके देख लेना, जब आप n की वैल्यू 15 लोगे वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 17 लोगे तब भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, और ये पूरी सीरीज सेम बनेगी जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में थी। सो अगेन हमारे पास सेम आंसर होगा, डेट इज लॉग ऑफ n बेस 2। आप अपने पेपर पे चेक कर सकते हो करके, सेम सीरीज आएगी आपकी, क्योंकि हम इसमें i की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है i की वैल्यू और हाफ हाफ। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं 2-2 से मल्टीप्लाई करके, सो सीरीज हमारी सेम बनेगी और हमारा आंसर भी सेम होगा, डेट इज ऑर्डर ऑफ लॉग n बेस 2। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, अगर यहाँ पर हमारे पास होता आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई 3, कि हम 3-3 से 1/3 1/3 कर रहे हैं, उस केस में भी होता हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग n बेस 3, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सेम इसमें। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन अ कॉम्पिटिशन 4 डिफरेंट फंक्शंस आर ऑब्जर्व, ऑल द फंक्शंस यूज अ सिंगल फोर लूप एंड विद इन द फोर लूप सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, कंसिडर द फॉलोइंग फोर लूप्स। अब हमें फोर लूप्स गिवन है और हमने अज्यूम कर लिया है फोर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रही है। ओके, सब हम फर्स्ट फोर लूप को देखते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, 1-1 का इंक्रीमेंट है, सो n टाइम्स ये लूप चलेगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, इसमें अब हम 2-2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो सपोज अगर n की वैल्यू है हमारी 10, सो आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, जिसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा और 2-2 का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी इट विल बी 6 देन 8 एंड देन 10। ओके, सो इट विल एग्जीक्यूट, रफली वी कैन से दैट इट विल एग्जीक्यूट n बाय 2 टाइम्स, और यू कैन से n बाय 2 प्लस 1 टाइम, इट डजंट रियली मैटर। तो अगर आप सेकेंड फोर लूप के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे कि वो फोर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इट विल बी, अगर हम ये एक्सप्रेशन लेकर चलते हैं, n बाई 2 प्लस 1। अब इसके अंदर हम हमारे दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल सेज सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म की बात करेंगे हम, डेट इज n बाई 2, प्लस 1 को हम इग्नोर कर देंगे। सेकेंड रूल सेज कॉन्स्टेंट्स को भी इग्नोर कर दो, ना कॉन्स्टेंट है 1/2, उसको भी हम इग्नोर कर देंगे, we are left with n only. So for second for loop, again its complexity will be order of n. Now आप change देख रहे हो, चाहे आप 1-1 का increment करो, 2 का increment करो या 3 का increment करो, आपका order same रहेगा, that is order of n. वो differ कब करता है, जब आप 2 से multiply कर रहे हो या divide कर रहे हो। Now next for loop देखते हैं, for i equals to 0, i less than n, i equals to i into 2.
नाउ यू विल से इट विल एग्जीक्यूट लॉग एन टाइम्स. सबको पता है अभी हमने क्या था, अगर हम 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉग एन टाइम होगा. बट अगेन यू आर रॉन्ग. वाई इज इट सो? आई को हमने 0 से स्टार्ट किया है, राइट? और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2, अगेन वो 0 रहेगा. इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज हमने आई की वैल्यू 0 ली है, आई में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा. हम जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 ही रहेगा. सो दिस लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स, इनडेफिनेटली वो लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा. ओके ये आप करके देखना. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आई को 1 से स्टार्ट किया था, इसलिए जब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो 2 हो गया, देन 4, देन 8. बट इसमें हमने 0 से स्टार्ट किया है, और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो इट विल रिमेन सेम. लास्ट फोर लूप देखते हैं. फॉर आई इक्वल्स टू एन, आई ग्रेटर देन 0, आई डिवाइड बाय इक्वल टू 2. ये लास्ट क्वेश्चन जैसा है. ओके जो व्हाइल लूप था उसी का ही हमने फोर लूप बनाया हुआ है, एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स. ये आप करके देख सकते हो, आपकी सेम सीरीज आएगी एंड इट्स आंसर विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन. नाउ देखो हमारी प्रॉब्लम सेम थी, उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लूप के थ्रू उसको सॉल्व किया है, और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफर कर रही है. फर्स्ट टू केस में आ रही है ऑर्डर ऑफ एन, थर्ड केस तो इनफाइनाइटली चल ही रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आएगा, और लास्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन. सो हमारे लिए बेस्ट लूप कौन सा है जिसमें हमें कम से कम टाइम लग रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन. ओके दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग टू कोड्स? ये हमें दो कोड गिवन है और दोनों में ही हम प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट. ओके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, हियर वी हैव फॉर आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. ओके कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये लूप? आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा अप टू एन माइनस 1, राइट? ये होगी हमारी आई की वैल्यूज 2, 3, 4 अप टू एन माइनस 1. सो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये? एन माइनस 2 टाइम्स, राइट? इतनी बार एग्जीक्यूट होगा. अब इस लूप में हम कर क्या रहे हैं, सिंपल इफ लगाया और रिटर्न कर दी कुछ वैल्यू, ठीक है? एक ही बार एग्जीक्यूट करना है अंदर वाला पोर्शन हमें, सो अंदर वाला पोर्शन को लगेगा कॉन्स्टेंट टाइम, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1. ओके उसके बाहर भी एक हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई हुई है, उसको भी लगेगा ऑर्डर ऑफ 1. सो व्हाट विल बी आर टोटल टाइम? सी जो हमारा फोर लूप है वो एन माइनस 2 टाइम्स चलेगा, और जब वो 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ 1. जब वो एन माइनस 2 टाइम्स चलेगा उसको टोटल टाइम हो जाएगा एन माइनस 2 इंटू ऑर्डर ऑफ 1, राइट? यही होगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ऑर्डर ऑफ 1 को हम कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो लेट अस से ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू सी. सो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी एन माइनस 2 सी. नाउ वी विल यूज आर बोथ रूल्स. फर्स्ट इज इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स, सेकेंड इग्नोर कॉन्स्टेंट. We are left with only n. Okay? So this whole for loop will take order of n times. और जो next return statement है वो ले रही है हमारी order of 1. Among order of n and order of 1, order of n हमारा dominating term है. So पूरे function की complexity हो जाएगी order of n. Clear? सो ऑलवेज टू रिमेम्बर, अगर हमारा फोर लूप एन माइनस 2 या एन माइनस 3 टाइम्स चल रहा है तब भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहती है. अब हम हमारा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन चेक करते हैं. व्हाट डज इट से? फॉर आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस प्लस आई. आई में हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सो जस्ट टेल मी ये फोर लूप कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? 2 से स्टार्ट होकर रूट एन माइनस 1, बिकॉज इसमें गिवन है आई लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ एन, सो स्क्वेयर रूट ऑफ एन माइनस 1.
इतनी बार चलेगा। सो टोटल हमारा कितना हो गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस टू टाइम्स, इतनी बार एग्जीक्यूट होगा ये फोर लूप। इसके अंदर अगेन हमारी फंक्शनैलिटी सेम है, ऑर्डर ऑफ वन की कांस्टेंट टाइम लगेगा। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला लूप हमारा चल रहा था एन माइनस टू टाइम्स, ओके। राइट हैंड साइड वाला लूप हमारा चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस टू टाइम्स। सो सेम लॉजिक अगर हम फॉलो कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। सिर्फ डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है, फोर लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला चल रहा है टू टू एन माइनस वन, राइट हैंड साइड वाला चल रहा है टू टू स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइट हैंड साइड वाले की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ रूट एन। नाउ जो हम बात कर रहे थे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की जरूरत क्यों है, देखो दोनों कोड से आपको आउटपुट सेम मिलेगा सेम इनपुट के लिए। दोनों चेक करेंगे वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, पर टाइम में कितना डिफरेंस आ जाएगा। एक को लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम और दूसरे को लग रहा है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। सपोज अगर आपका एन है 16, सो फर्स्ट वाले कोड को लगेगा 16 यूनिट टाइम बट सेकेंड वाले को लगेगा सिर्फ 4 यूनिट टाइम। नाउ यू कैन सी विच वन इज बेटर, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वन इज बेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। एंड दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 15 रेज टू द पावर 10 इनटू एन प्लस 1209। दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे, सिर्फ हायर ऑर्डर एन की टर्म को हम रखेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, डन। नाउ जो हमारा कांस्टेंट पोर्शन है उसको भी इग्नोर करना है, इसमें कांस्टेंट है 15 रेज टू द पावर 10, उसको भी इग्नोर कर दिया। वी आर लेफ्ट विद ओनली एन, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ एन। नाउ कैन वी से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, यस, बिकॉज जब हम असिम्प्टोटिक नोटेशन वाली वीडियो को कवर करेंगे देयर यू कैन सी बिग ओ नोटेशन में अगर आपको एक पर्टिकुलर एन मिल गया लाइक ऑर्डर ऑफ एन, सो यू कैन से डेट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है। वाई इज इट सो, बिकॉज बिको का मतलब है वर्स्ट केस या मैक्सिमम टाइम आपको कितना लग रहा है। एंड इफ आई एम सेइंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लग रहे हैं, ये एक हमारी स्टेटमेंट है। नाउ से एट सम पॉइंट आई एम सेइंग उन्हीं दो पॉइंट के बीच में आपको मैक्सिमम टाइम 10 मिनट्स लग रहा है, वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज मैक्सिमम आपको 10 लग रहा है बट इन एक्चुअल आपको 10 से कम ही लगेगा, 10 से ज्यादा नहीं लगेगा। सेम वे आई एम सेइंग कि उन दोनों पॉइंट के बीच में जाने के लिए आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो एक टाइट बाउंड मिलने के बाद आप उसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हो बिगो नोटेशन में, वो स्टेटमेंट आपकी हमेशा ट्रू होगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, या आपका टाइट बाउंड है कि इतना तो होगा ही अपर बिको में, उसको आप ऑर्डर ऑफ एन नहीं बोल सकते हो। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऑर्डर ऑफ एन को आप बिग ऑफ एन स्क्वायर ले सकते हो बट बिग ऑफ एन स्क्वायर को आप ऑर्डर ऑफ एन नहीं ले सकते हो। सो ए में हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर इज ट्रू। सेकेंड चेक करते हैं, एन रेज़ टू द पावर 1.98, अभी हमने किया है एन की जो भी आपकी पावर है बिगो में आप उससे बड़ी वैल्यू ले सकते हो। सो इसमें हम एन का स्क्वायर ले सकते हैं, एन का क्यूब भी ले सकते हैं, एन रेज़ टू द पावर 10, 100 कुछ भी ले सकते हैं, बट एन रेज़ टू द पावर 1 नहीं ले सकते। छोटी आप पावर नहीं ले सकते हो, बड़ी आप कितनी भी पावर ले सकते हो। सो बी में भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है। नाउ सी ऑप्शन चेक करते हैं, इट इज एन क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ओके। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन क्यूब डिवाइड बाय एन रेज़ टू द पावर 1 बाय
टू. नाउ एन एन दोनों का बेस सेम है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं. एन रेज टू द पावर थ्री माइनस वन बाय टू, दिस इज माइनस. सो थ्री माइनस वन बाय टू इज 2.5. सो वी विल गेट एन रेज टू द पावर 2.5. नाउ 2.5 है, डेट मीन्स इससे बड़ी आप कोई भी पावर ले सकते हो. बिगो नोटेशन में ये भी ले सकते हो, इससे बड़ी भी ले सकते हो, बट इससे छोटी कोई पावर नहीं ले सकते हो. सो इन दिस केस इसको हम बिग ऑफ एन स्क्वेयर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. बिग ऑफ एन क्यूब से कर सकते हैं, एन रेज़ टू द पावर 4 से कर सकते हैं, और बिग ऑफ एन रेज़ टू द पावर 2.6 से भी कर सकते हैं, बट 2.5 से छोटी कोई भी पावर नहीं ले सकते. सो स्टेटमेंट सी में हमारा बिग ऑफ एन स्क्वेयर नहीं आएगा. लास्ट देखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 20 इंटू एन. रूल अप्लाई करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट है उनको हटा देंगे. वी आर लेफ्ट विद ओनली एन, एन रेज़ टू द पावर 1. अभी हमने किया है, बिगर पावर्स हम ले सकते हैं. सो इसमें हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर ले सकते हैं. सो डी में भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर हो सकता है. सो देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन, डेट इज ऑप्शन सी, जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर नहीं है. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग और आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.